डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग एम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं स्वलीनता, जिसको हम स्वपरायणता भी कहते हैं, उसकी अवधारणा, उसके अर्थ, परिभाषाएं एवं विशेषताएं, यानी कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता क्या है और इसका अर्थ क्या है, क्या परिभाषाएं हैं और कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यही ऑटिज्म चिल्ड्रन है या यही एक स्वलीन व्यक्ति है। इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इसी तरह के एप्रोप्रिएट उचित वीडियो देख सकें। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, 1911 में, यानी कि 1911 में पाउल ईगेन ब्लूलर नाम के एक व्यक्ति थे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वो एक साइकियाट्रिस्ट थे, यानी कि मनोविकार विज्ञानी थे। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक अंतःक्रिया से स्वयं को दूर कर लेते हैं, उनके बारे में जानने के लिए, यानी कि जो ब्लूलर, इनको शॉर्ट में ज्यादातर ब्लूलर नाम से जाना जाता है, जो ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1911 में किए थे। कई बार एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया, तो सबसे पहले प्रयोग पाउल ईगेन ब्लूलर, या शॉर्ट में इसको ब्लूलर नाम से जानते हैं, और 1911 में किया। ये साइकियाट्रिस्ट थे, यानी जिसको हम लोग मनोचिकित्सक कहते हैं, या जो मनोविकार विज्ञानी, मानसिक रूप से अगर किसी को समस्या है तो उसके वैज्ञानिक थे ये। जो सामाजिक अंतःक्रिया से ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को दूर कर लेते हैं, उनके बारे में जानने के लिए इन्होंने इस पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, 1943 में, यानी कि 1943 में, एक लियो कैनर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 11 बच्चों पर अध्ययन किया जिनको स्वलीनता से संबंधित समस्याएं थी। ये स्वलीनता जैसी समस्या को दुनिया के सामने लाए और इसमें शोध भी बहुत किए। यानी अगर कहा जाए तो स्वलीनता को आगे बढ़ाने एवं प्रचार प्रसार करने में, यानी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने में, जानकारी देने में एक लियो कैनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने अध्ययन भी किया 11 बच्चों पर जो स्वलीनता से संबंधित समस्याएं थी। इसकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, 1944 में हंस अस्पर्जर ने एक नए शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम ऑटिस्टिक साइकोपैथी दिया गया और 4 बच्चों पर अध्ययन किया गया। और अस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में भी इसमें बताया गया कि किस तरीके से व्यक्ति को भाषाई रूप से या सामाजिक रूप से किस तरीके से समस्या होती है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। नेक्स्ट है, 1999 यानी कि 1999 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। इसमें 4 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है जिनमें से एक स्वलीनता है,
ये चार प्रकार की विकलांगता है जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर है, जो इसको बेहतरीन तरीके से जानने के लिए किस अधिनियम में कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल है उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा दूसरे वीडियो का, आप उसे बहुत ही अच्छे से देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2016 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से एक स्वलीनता भी है, यानी कि सभी एक्ट्स में स्वलीनता नामक समस्या को शामिल नहीं किया गया था। यह एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट है एंड RPWD एक्ट है। तो ये था अवधारणा कॉन्सेप्ट जो ऑटिज्म से संबंधित जो प्रकाश में आया, किस तरीके से ऑटिज्म। आइए अब हम जानते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑटिज्म। स्वलीनता अंग्रेजी भाषा के ऑटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक शब्द यानी कि जो ग्रीक वर्ड है वो आर्टोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, अर्थात ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो अपने आप में लीन रहते हैं या खोए रहते हैं, उन्हें स्वलीनता या स्वपरायणता का नाम दिया जाता है। स्वलीनता एक विकासात्मक समस्या है। जब बात आती है कि विकासात्मक समस्या है, तो यानी कि जब बच्चों में स्वलीनता हो जाती है तो उनमें बहुत सारी विकास में समस्या आ जाती है, उनके बहुत सारे क्षेत्रों का विकास रुक जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में एक विकासात्मक समस्या देखी जाती है। सबसे पहला है भाषाई समस्या, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम देखी जाती है यदि किसी बच्चे में स्वलीनता है तो। क्यों? क्योंकि जब स्वयं में खोए रहेंगे और समाज से बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। संप्रेषण की समस्या, यानी कि जब स्वयं में खोए रहेंगे तो सीधी सी बात है दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे, और ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी क्योंकि कम्युनिकेशन भी हम कंटेक्चुअल करते हैं, किसी न किसी संदर्भ के, किसी न किसी मुद्दे के आधार पर, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर। लेकिन ये स्वयं में खोए रहते हैं जिसके कारण इन्हें इस तरीके की भी समस्या आती है। भौतिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम, जब व्यक्ति स्वयं में रहता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसको भौतिक समस्याएं फिजिकली भी उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मानसिक समस्या, मेंटल प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बहुत हो जाती है, जो सोचने समझने में, जब स्वयं में रहना है तो किसी से लेना देना है नहीं, तो सीधी सी बात है कि इनमें समस्याएं ऐसी हो जाती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या, समाज में अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि समाज में अंतःक्रिया करने के लिए समाज से संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है, समाज से बातचीत करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए हमें भाषा आनी चाहिए, जो कि ये स्वयं में खोए रहते हैं तो भाषा सीख नहीं पाते, जिसके कारण इंटरेक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है बार बार किसी गतिविधि को दोहराने की समस्या देखी जाती है, यानी कि रिपीट प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिंग एन एक्टिविटी। बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो व्यवहार से संबंधित हो, चाहे बातचीत करने से संबंधित हो, ये बार बार किसी चीज को दोहराते हैं। तो यानी जब इस तरीके की समस्याएं दिखती हैं तो हम कहते हैं कि वह स्वलीनता है, यानी कि स्वलीनता क्या है, एक विकासात्मक समस्या है एवं व्यवहारिक समस्या भी है। इसके अंतर्गत हम एक और पार्ट ले सकते हैं कि इसमें विकासात्मक के अंतर्गत एक बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ये था स्वलीनता या स्वपरायणता का अर्थ। आइए अब हम जानते हैं ऑटिज्म शब्द के एक एक अक्षर का अर्थ जानते हैं, कि किस तरीके से ऑटिज्म का, या यूं कहें कि ऑटिज्म का फुल फॉर्म। सबसे पहला है ए मतलब एलोन, इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो स्वयं में लीन या खोए रहते हैं। दूसरा है यू मतलब अनयूजुअल प्ले, इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी गतिविधि को बार बार या असामान्य तरीके से करते हैं, जैसे खिलौने को मुंह में खाना, जबकि वो एक खेलने की चीज है। नेक्स्ट है टी,
ट्विरलॉक ऑब्जेक्ट यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी वस्तु को अनजान तरीके से पकड़ते हैं या उसके साथ अनजान तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे कि उसे जानते ही ना हो। सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कॉपी है, किताब है, या पेन है, या गिलास है, या कुछ भी वस्तु पकड़ना है, तो जिस तरीके से उनको एक उचित तरीके से पकड़ना चाहिए उसको एक अनुचित तरीके से पकड़ते हैं, जिससे अगर किताब को गलत तरीके से पकड़ जाए तो फट सकती है। इसीलिए ऐसे बच्चे समस्या से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है आई, नेक्स्ट लेटर है वो है आई यानी कि इनडिफरेंट टू अदर पीपल। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अजनबी तरीके से बात एवं व्यवहार करते हैं। अजनबी तरीके से बात मतलब कोई भी व्यक्ति आ जाएगा तो उसके सिर पर चढ़ेंगे, उसे अजीब तरीके से बातें करेंगे, उसको मारना। जो बच्चे होते हैं शरारती हो जाते हैं क्योंकि इनको समस्या है, ऐसे जानबूझकर नहीं करते ऐसे बच्चे। नेक्स्ट है एस, स्ट्रेंज मूवमेंट एंड बिहेवियर। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अजीब एवं असामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं जो सामाजिक रूप से उचित नहीं होता है। जब चाहे उनसे जैसे बात करना हो तो एक मतलब जिस तरीके से एक सामान्य बच्चा करता है उस तरीके से ये नहीं कर पाते हैं। इनका मुख्य कारण है कि इनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता और सोशल इंटरेक्शन ना हो पाने के कारण ये कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति से व्यवहार ये गलत तरीके से करते हैं। और नेक्स्ट है एम यानी कि मोस्ट हैव एलडी, यानी कि एलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनमें स्वलीनता के साथ साथ अधिगम अक्षमता की समस्या भी देखने को मिलती है, जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में सामान्य तरीके से विकास नहीं हो पाता है और पीछे रह जाते हैं। तो ये था ऑटिज्म का फुल फॉर्म, या यूं कहें ऑटिज्म को एक अलग अलग लेटर को डिस्क्राइब। एक बहुत ही अच्छी स्लाइड, इसको ध्यान से देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तुरंत इसको लाइक करिए, और अगर अच्छा ना लग रहा हो तो इसको डिसलाइक करिए। आपका वोट से हमको मोटिवेशन मिलता है। आइए अब हम देखते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस ऑफ ऑटिज्म। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अनुसार यानी 1999 के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये कहते हैं कि असमान निपुणता, निपुणता का मतलब होता है किसी चीज में मास्टरी यानी कि निपुण होना या स्किल्ड हो जाना। असमान मतलब एक अबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो असमान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, व्यवहार यानी कि जो बिहेवियर, और सामाजिक योग्यता यानी कि जो सोशल एबिलिटीज होती हैं, जो सोशल हमारी कैपेसिटीज होती है, क्षमताएं होती है, योग्यताएं होती हैं, उनको प्रभावित करती है, तो उसे हम स्वलीनता कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति स्किल्ड नहीं होता, अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता, सामाजिक योग्यता नहीं है उनके पास, समाज रूप से व्यवहार नहीं कर पाता, सामाजिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाता, मनुष्य की जो संचार गतिविधि है यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया ये एक सिम नहीं है, ये एक प्रकार का एक्ट है जिसका पूरा नाम है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। 2004 में इन्होंने एक परिभाषा निकाली, कहते हैं कि स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है यानी कि एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो मौखिक और अमौखिक संप्रेषण, मौखिक और मौखिक क्यों संप्रेषण, जब बच्चा स्वयं में सोया रहेगा, खोया रहेगा, लीन रहेगा तो वो समाज से मिलेगा ही नहीं, संपर्क नहीं करेगा समाज से, तथा सामाजिक संपर्क को प्रभावित करती है। आमतौर पर 3 वर्ष से पहले ध्यान न देने पर समस्या अधिक बढ़ जाती है, जिससे बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि मौखिक का मतलब होता है जब हम शब्दों के द्वारा अच्छे तरीके से संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। अमौखिक मतलब किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन के द्वारा, या यूं कहें कि साइन के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा ये सब करते हैं, लेकिन ऐसी समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इनको स्वलीनता से संबंधित समस्या है। अब जब स्वलीन बच्चे स्वयं में खोए रहेंगे तो सीधी सी बात है इनको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी, और ऐसे होगा तो इनका एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस होगा वो भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, जो 2016 में 2016 में आया, वो क्या कहता है? कहता है कि स्वपरायणता जो स्पेक्ट्रम विकार है, यानी कि जो इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं हम लोग, ASD जिसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे विकारों का एक समूह है, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का एक समूह है, सिंड्रोम का, आस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, CDD, PDD, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको जानेंगे। ये पार्ट वन है, यानी कि ये भाग वन है स्वलीनता से संबंधित वीडियो का, इसे अवश्य देखें। ये कहते हैं कि स्वपरायणता जो स्पेक्ट्रम विकार है उनमें से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेरित है जो विशिष्टता जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है, और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे पिटे कर्म कांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है। बहुत सारी जो सामाजिक जो दुर्व्यवहार है, जो सामाजिक कर्मकांड होते हैं, जो धार्मिक रूप से लोग मानते हैं कि ये ऐसी समस्या होती है जो व्यक्ति संबंध नहीं बना सकते या समाज के संपर्क में नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों को स्वपरायणता का नाम दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इन बच्चों की स्वलीनता से ग्रसित जो स्वपरायणता की जो विशेषताएं होती हैं, ऐसी कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि ये एक ऑटिज्म चिल्ड्रन है। सबसे पहले है कि स्वलीनता से ग्रसित बच्चों में संप्रेषण की समस्या देखने को मिलती है। जब लगातार किसी बच्चे में ऐसी समस्या जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्वलीनता से ग्रसित बच्चा है। नेक्स्ट है किसी भी गतिविधि को बार बार दोहराने की आदत, यानी रिपीट करते हैं किसी भी गतिविधि को। नेक्स्ट है समय प्रबंधन की कमी देखने को मिलती है। समय प्रबंधन की जो टाइम मैनेजमेंट होता है, कोई काम दे दो समय से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो डिसीजन लेना होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे लर्निंग में हो, चाहे अपने खुद की समस्या में हो, तो उसमें भी इन लोगों में कमी देखने को मिलती है। असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है, यानी कि अबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति से, जो सामान्य तरीके से बच्चे करते हैं वैसे नहीं कर पाते। याददाश्त में कमी देखने को मिलती है, कोई चीज़ ये जल्दी भूल जाते हैं, कुछ भी 2 दिन 1 दिन हो गया तो बोल देंगे हमें याद ही नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों में कमी देखने को मिलती है, जो नैतिकता हमारे जो मोरालिटीज़ होती हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने की जो कला होती है, जो हम एक दूसरे के प्रति कैसे निष्ठावान होते हैं और किस तरीके से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, वो सब इनमें कमी, सत्यता और जैसे सहयोग की भावना, ये सब नहीं देखने को मिलती है। जोर जोर से चिल्लाने की आदत देखी जाती है, कभी कभी जोर से चिल्लाते भी हैं। नेक्स्ट है कि उपलब्धि के स्तर में कमी, उपलब्धियां जो चाहे सोशल अचीवमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल अचीवमेंट हो, चाहे वो उनके खुद के मेंटल अचीवमेंट हो, किसी भी तरीके का उपलब्धि ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि स्वयं में लीन रहने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों को इनमें कमी आ जाती है, सीख नहीं पाते हैं। लर्निंग एक व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो सोशल इंटरेक्शन करता है, समाज में रहता है, व्यक्तियों से मिलता है, लेकिन इन बच्चों को ऐसी कमी देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि इनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें बहुत कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो सामाजिक समायोजन या सामाजिक अंतःक्रिया की क्षमता में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब समाज एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगा, हमारे अंदर भाषाई क्षमता नहीं होती, हमारे अंदर बात करने की कला नहीं होती, हम एक सामान्य व्यक्ति से किस तरीके से व्यवहार करना है नहीं कर पाते, इसीलिए सारी चीजें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि स्वयं में खोए रहते हैं। भाषाई क्षमता में कमी देखने को मिलती है, जो लैंग्वेज जो कैपेसिटी है वो नहीं हो पाती, क्योंकि स्वयं से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है, हमें इंटरेक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति से आंख में आंख मिलाकर देखने में कमी दिखती है, यानी कि जो आई कॉन्टेक्ट होता है किसी भी व्यक्ति से मिलाकर वो नहीं कर पाते ये लोग।
नेक्स्ट है स्वयं में खोए रहने की आदत देखी जाती है, जो ऑटस जो ग्रीक वर्ड था, ये स्वयं में खोए रहते हैं। उत्साह में कमी देखने को मिलती है, जो स्वलीनता से ग्रसित होंगे उनमें उत्साह ज्यादा नहीं दिखता है। स्वयं से नए विचारों के निर्माण में समस्या देखी जाती है, यानी कि ये जो आइडियाज है उनका कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है भौतिक समस्या देखने को मिलती है, जो फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो इनका जो मूवमेंट है, जो गतिशीलता है, एक्टिविटी नहीं हो पाती, इसके कारण भी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपरली ये लोग सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट है अनावश्यक रूप से बार बार ताली बजाना, ऐसे भी एक्टिविटी ये लोग करते हैं जो कि एक समाज में अनावश्यक गतिविधि माना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वलीनता या स्वपरायणता के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। सबसे पहला जो इसका टाइप्स है वो है अस्पर्जर डिसऑर्डर, इसको अस्पर्जर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह समस्या ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाई जाती है, यानी कि जो अस्पर्जर डिसऑर्डर है यह ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाई जाती है। और जब पुरुषों में देखने को पाई जाती है तो आखिर इसके अंदर और कौन कौन सी जुड़ी समस्याएं हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। भाषाई कौशल की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो अस्पर्जर सिंड्रोम या अस्पर्जर डिसऑर्डर से ग्रसित जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनमें ज्यादातर भाषाई कौशल की समस्या देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि ऑटिज्म में क्या होता है, स्वयं में खोए रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो स्वलीनता से ग्रसित होते हैं, जो ज्यादातर इंटरेक्शन नहीं कर पाते और उनमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जब स्वयं में खोए रहेंगे, समाज से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, यानी कि अंतःक्रिया नहीं करेंगे, समाज के साथ मेल जोल नहीं रखेंगे, समाज से अलगाव रखेंगे, तो उनको इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक कौशल यानी कि समाज के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए, किस व्यक्ति से कैसे बातचीत करना है, ये सारे कौशल इन्हें नहीं पता होते हैं, क्योंकि इनको समस्या होती है। नेक्स्ट है कि संप्रेषण कौशल की समस्या देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, जब हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी, जब हम किसी से पहचानेंगे नहीं, बातचीत करने में शर्माएंगे, सामाजिक कौशल नहीं होगा, भाषाई कौशल नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल या संप्रेषण कौशल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये समस्याएं अस्पर्जर जो डिसऑर्डर है उसके अंदर देखने को मिलती हैं। देखिए किस तरीके से कम्युनिकेशन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देखिए एक व्यक्ति जिसको आसानी से बातचीत करना चाहिए, वो कितना किस तरीके से उसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कम्युनिकेशन। और ये दूसरा चित्र नीचे दिख रहा है, किस तरीके से उंगली दिखाकर बात करना, ये कम्युनिकेशन करने का अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे लड़ने के लिए रेडी है। तो ये क्या है, इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि इनको समस्या है। नेक्स्ट जो टाइप देखते हैं हम वो है रेट्स डिसऑर्डर। रेट्स डिसऑर्डर इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, हम इस प्रकार के बारे में जानते हैं, जो स्वलीनता का एक प्रकार है। यह समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। इससे पहले का जो अस्पर्जर सिंड्रोम था वह ज्यादातर पुरुषों में देखने को पाया जाता है। मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में पूछ ले, सवाल में पूछ ले या कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टाइप्स भी उसके महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत जो रेट्स डिसऑर्डर यह ज्यादातर महिलाओं में देखने को पाया जाता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करिए। तो महिलाओं में जो देखने को मिलता है वो क्या क्या, जैसे मानसिक समस्या देखने को मिलती है, यानी कि मानसिक रूप से ज्यादा प्रताड़ित होती हैं, या यूं कहें कि सेल्फ रूप से इतना परेशान रहती हैं, क्योंकि स्वयं में लीन रहना, किसी से बातचीत ना करना, तो मानसिक रूप से भी ग्रसित हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि स्वयं में इनकी दुनिया ही अलग रहती है, तो ये मानसिक समस्या अधिक देखने को मिलती है। साथ ही भौतिक समस्या, चलने फिरने की समस्या भी इनके देखने को मिलती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति जब स्वयं में खोया रहता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, तो उसको ऐसी समस्या भी थोड़ा बहुत हो जाती है। नेक्स्ट है याददाश्त की कमी या याददाश्त की समस्या भी देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारा रिमेम्बरिंग पावर है वो भी चला जाता है, क्योंकि हमें जितना भी रिकवर करने के लिए हमें जो सोशल स्किल है, समाज में रहने का कौशल है, वो सब पता होना चाहिए, जो इनके अंदर नहीं होता है। ये सारी समस्याएं इनमें देखने को मिलती है। और अगर ये सारी समस्याएं होती हैं, जो मानसिक समस्या, भौतिक समस्या या दस्त की समस्या, तो इन सब की वजह से सामाजिक संदर्भ में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। समाज कहने लगता है कि पता नहीं किस टाइप के लोग हैं ये, क्या है, बीमार है, बीमारी है इनको, किस तरीके की समस्या है, क्योंकि हमारा जो समाज है वह इस समस्या से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, जिससे यदि इस तरीके की किसी को समस्या हो जाती है तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वो भारी समस्या से गुजरते हैं। तो ये हमारा रेट्स डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है वो है परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, यानी कि PDD, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि व्यक्तियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा देखने को पाया जाता है, बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है कि ये पूरी तरीके से समाज में अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, समाज में अलगाव तरीके का स्वभाव देखने को मिलता है, यानी कि समाज में ये पूरी तरीके से एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, जब समाज में बातचीत नहीं कर पाएंगे तो लोगों से जुड़ ही नहीं पाएंगे। हम ही लोग हैं, जैसे यदि हमेशा समस्या से इस तरीके की ग्रसित रहें और एक दूसरे से बातचीत ना करें तो हम खुद ही ऐसा अलगाव टाइप महसूस करेंगे, या समाज हमसे बोलेगा कि ये पता नहीं किस तरीके का व्यक्ति है, तो अलगाव तरीके का स्वभाव देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए, ये बच्चे हैं, जो एक बच्चा है जो अपने आप में खोया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा ये सोसाइटी से पूरा अलग है, ये ऐसे नहीं अपने आप से अलग है, क्योंकि इसको समस्या है, ये ऑटिज्म से ग्रसित है, ये स्वयं में खोया रहता है, इसको समाज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, बाकी एक अपने आप में खोई हुई है, कोई मतलब नहीं है इनको कि हमें साथ में खेलना चाहिए, क्योंकि इनको एक प्रॉब्लम है, जो मेंटली ये फिट नहीं है, पूरी तरीके से सोशली फिट नहीं है, जो इंटरेक्शन कैसे करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, उस तरीके से फिट नहीं है, जिससे इनको समस्या आती है। इस समस्या के कारण समाज में अपना स्थान सामाजिक नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार नहीं बना पाते हैं। हमारे समाज में जो नियम होते हैं, संस्कृति होती है, किस तरीके से उसका पालन करना है, किस तरीके से हर व्यक्ति के साथ बड़े छोटे हमजोली कैसे व्यवहार करना है, ये इनको नहीं पता होता है, क्योंकि ये तभी पता होता है जब हम समाज के संपर्क में रहते हैं। देखिए किस तरीके से अपने आप में खोए रहते हैं, ये अपने आप में डूबे रहते हैं, ऐसा लगता है कि इनका कोई है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ज्यादातर समस्या से ग्रसित होते हैं। तो ये सारा जो समस्या है ये PDD के अंतर्गत आता है, यानी कि परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम CDD के नाम से जानते हैं, जो ऑटिज्म का एक टाइप से प्रकार है। इसको देखते हैं कि इसके अंतर्गत बच्चों में विभिन्न कौशलों में विकासात्मक देरी एवं भूलने की समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो बच्चे हैं वो उनके जो कौशल सीखने होते हैं समाज से रिलेटेड, स्वयं से रिलेटेड, व्यक्तिगत रूप से, वो क्या करते हैं, उनमें विकासात्मक देरी पाई जाती है, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं। अगर कोई भी कौशल सीख भी लेते हैं तो उनको भूल जाते हैं। देखते हैं जरा कौन कौन से, जैसे भाषाई समस्या देखने को मिलती है, सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि बच्चे होते हैं और ज़्यादातर वो इंटरेक्शन भी ना करें, अगर स्वयं में खोए रहें तो बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू पर्सनल, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो ये सारी समस्याएं इनमें देखने को मिलती हैं।
सामाजिक कौशल में समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, इससे संबंधित व्यवहार हैं, उसको सीखने के पश्चात ये क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इनमें कौशल का विकास नहीं हो पाता है जो एक सामान्य बच्चे में बेहतर तरीके से हो पाता है। गामक कौशल में समस्या देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारा मोटर स्किल है वो तो निश्चित है कि गामक कौशल ऐसे बच्चों में देखने को मिल ही जाता है। उसका जो कारण है कि ये ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं करते, जो एक्टिविटी बेस्ड नहीं होते हैं, जो अपने आप में खोए रहते हैं, स्वयं में मस्त रहते हैं, ना कुछ करने से मतलब है, काम धाम से या किसी वर्क से रिलेटेड, तो इनको बस यही लगता है कि हमारी दुनिया ही व्यक्तिगत है, हम ही सब कुछ हैं, और ये मानसिक रूप से स्वयं में खोए रहते हैं, इनको समाज से लेना देना कोई नहीं है। क्योंकि अगर भौतिक रूप से इनको समस्या हो जाती है, जिसको हम लोग गामक कौशल या मोटर स्किल कहते हैं, जिसको हम लोग फाइन मोटर ग्रास मोटर कहते हैं, तो उनमें समस्या देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अगर हम हैं, अपने हाथ का प्रयोग बचपन से बिल्कुल हिलाएं डुलाएं ना, किसी भी तरीके का ना करें, तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा। आज हम गिलास पकड़ पाते हैं, पेन पकड़ पाते हैं, आज हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं बहुत अच्छे से, तो वो प्रैक्टिस के कारण है। बचपन से ही हमारे हाथ हिलते हैं, हमारी उंगलियां चलती हैं, वो क्या है, डेवलप होता चला जाता है। लेकिन ये एक्टिविटी नहीं करते हैं, ये मस्त रहते हैं एकदम, जिसके कारण इन्हें समस्या ऐसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। अब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के अंतर्गत देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक साथ कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें भाषाई समस्या, संप्रेषण समस्या, सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या, भौतिक समस्या, मानसिक समस्या, या यूं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति में विविध समस्याओं का समूह जो सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप को प्रभावित करता है, उसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कहते हैं। कभी कभी हम लोग इस नाम से भी जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा आ रहा है, ये बच्चा ऑटिस्टिक है, यानी कि ये स्वलीनता से ग्रसित है। अगर स्वलीनता से ग्रसित होगा, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होगा, तो इनमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो ये ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है। तो ये जितने भी थे 5 टाइप्स जो ऑटिज्म के टाइप थे सारे, आइए अब हम देखते हैं स्वलीन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं, यानी कि एजुकेशनल नीड्स ऑफ ऑटिज्म चिल्ड्रन, कौन कौन सी इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वलीनता एक विकासात्मक समस्या है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे हमने पीछे समस्याएं पढ़ चुके हैं, जिनमें भाषाई, सामाजिक, संप्रेषण, व्यवहारिक, भौतिक आदि सभी शामिल हैं। इन सब के कारण ये लोग अपनी शैक्षणिक उपलब्धि को बेहतर नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर सामान्य बच्चे को देखा जाए तो बहुत ही आसानी से और सामान्य तरीके तौर तरीके से सभी शिक्षक की बातों को सुनकर किसी भी समायोजन कर लेता है, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो स्वलीन बच्चे होते हैं, इनको समस्या होने के कारण इनको अनुकूलित तौर तरीके चाहिए, अनुकूलित शिक्षक चाहिए, अनुकूलित शैक्षणिक टेक्निक्स चाहिए, अनुकूलित सारा व्यवस्थाएं चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो इनको चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि अनुकूलित कक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि जो हमारा क्लासरूम सिचुएशन है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, कक्षा का प्रबंधन बहुत अच्छे से करना चाहिए, जो अनुकूलित हो, जहाँ पर नुकीला ना हो, फर्नीचर बहुत अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ खिड़कियों में हवादार, और जो खिड़कियाँ हैं वो नुकीली नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो रूम हमारा है वो बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो सुगम्य हो, सुगम इन द सेंस एक्सेसिबल हो, जिसमें सभी बच्चे आसानी से बेहतर तरीके से उसमें आवागमन कर सकें, उसमें बेहतरीन बैठ सकें, चाहे वो बेंच हो, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, बेहतरीन तरीके से उन्हें नुकसान ना हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही कक्षा का आकार बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं कि पूरा हॉल का हॉल हो और उसमें बच्चों को बैठा दिया जाए, तो उसमें वो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इनके लिए एक बेहतरीन जितने आकार में छोटा सा जितना कक्षा का आकार होता है तो इन बच्चों के लिए होना चाहिए, ताकि ज़्यादा बड़ा ना रहे तो इको साउंड नहीं आएगा, जो अनावश्यक एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएंगी, तो वो जरूरी है।
नेक्स्ट है विशेष शिक्षक, जो कि इनकी मूलभूत आवश्यकता है। आजकल देखते हैं कि डिप्लोमा, बीएड, एमएड सब ऑटिज्म से होता है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर से, जिनको आरसीआई मान्यता देती है, सीआरआर नंबर प्रदान करती है, और वो एक विशेष शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी आवश्यकता है क्योंकि उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के तौर तरीके एवं पढ़ाने की विधियां और पढ़ाने की जितनी भी तरीके हैं वो सारी चीजों को जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के साथ सकारात्मक समायोजन बैठाना, यानी कि ये जिम्मेदारी होती है शिक्षक की कि उसके साथ एडजस्ट करें, वो भी पॉजिटिव रूप में, क्योंकि हर बच्चा चाहता है, उसकी आशा होती है कि जब तक उसके साथ एक शिक्षक का प्रेम संबंध नहीं बैठेगा, एक बेहतरीन जो एक एजुकेशनल या यूं कहें कि एक लगाव नहीं बनेगा, एक बेहतर समायोजन नहीं दोनों के पास, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी एक सब्जेक्ट और एक ट्यूटर की, तब तक बेहतरीन तरीके से वो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये उनकी आवश्यकताएं होती हैं कि उनके साथ ये सब किया जाए। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक होता है, जो प्रकरण होता है, उसको अनुकूलित तरीके से पढ़ाना चाहिए। अनुकूलित का क्या मतलब होता है, यानी कि जो एडॉप्टेशन होता है हमारा जो टॉपिक है। सपोज मान लीजिए कि आज हमको पेड़ के बारे में पढ़ाना है, तो एक काम करिए, बच्चों को सबसे अच्छी बात है कि पेड़ के नीचे ले जाइए, या तो वहां बहुत अच्छा कोई मॉडल ले आइए, या तो बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको दिखाइए, ताकि उनको समझने की समझ सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि जो उनके समझने की प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, वो थोड़ा सामान्य से अलग होता है। और यदि हम इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो ही हम समझ सकते हैं कि इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। नेक्स्ट है भाषा में अनुकूलन की आवश्यकता, यानी कि लैंग्वेज एडॉप्टेशन भी जरूरी है। कभी कभी पढ़ाते वक्त ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका डायरेक्ट मतलब वो नहीं समझ सकते, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना चाहिए विद इमेज, विद एक्टिविटी, विद मॉडल, कई तरीके से। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार शिक्षण में तकनीकियों का चुनाव। आजकल हम कभी कभी टीचिंग करते रहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर देते हैं, कोई भी पढ़ाने का तरीका यूज कर देते हैं, कोई भी वीडियो दिखा देते हैं किसी भी तरीके का, जबकि हमें एक बेहतरीन चुनाव करना चाहिए जो एक टॉपिक से रिलेटेड हो, जो उनकी स्किल डेवलपमेंट करने से रिलेटेड हो। नेक्स्ट है उचित शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करना, ये सब उनकी आवश्यकताएं हैं। तो उचित शिक्षण विधि, यानी कि जो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री होता है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो बहुत जरूरी है। खासकर जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए TLM बहुत जरूरी होता है, हालांकि तो सभी के लिए उपयुक्त होता है, बट स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत जरूरी होता है। इतना जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है इनमें, इसलिए हमको सेंस लर्निंग के माध्यम से जो उनकी किस तरीके की एक्टिविटी उनको कराया जाए जिससे वो बेहतर तरीके से सीख सकें, और कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है उचित शिक्षण विधियों का चुनाव करना। जो हमारा टीचिंग मेथड्स होता है, जो कौन कौन से अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से यूज करें ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सके। जैसे मान लीजिए लेक्चर मेथड है, तो आज अगर इन बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इनके साथ समायोजन करके और साथ में कोलाबोरेटिव, या यूं कहें कि जो को टीचिंग होती है, जिसको हम लोग सह शिक्षण कह सकते हैं, वो इनके लिए बहुत आवश्यक है। उचित भौतिक वातावरण जरूरी है, यानी कि जो अप्रोप्रिएट जो फिजिकल इन्वायरमेंट जरूरी है, चाहे वहाँ पर जो संस्थान है, जो स्कूल है, वहाँ का इन्वायरमेंट इनके अनुसार होना चाहिए, बनावट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उनके लिए सुगम्य होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। सह शिक्षण जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको हम को टीचिंग कहते हैं, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें एक शिक्षक होता है, दूसरा उसका सहायक होता है, जो कि उनके लिए बेहतरीन एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से सिखाने में मदद करते हैं। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं। इसके अतिरिक्त उसकी जो बहुत सारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, हो सकता है कि उसको निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता हो सकता है उसको व्यवहारिक समस्या हो, तो व्यवहारिक रूप से अनुकूलित एडजस्टमेंट के लिए उसको तौर तरीका सिखाया जाए, या उनके साथ एटीट्यूड सही से किया जाए। तो ये सारी आवश्यकताएं होती हैं कि उसके लिए आवश्यक हैं। तो ये था एजुकेशनल नीड्स। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। तो चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए,
जिससे इस तरह की उचित वीडियो आपके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करिए जिससे वो भी ऐसे वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।